मेरा संदेश है सुन, हो सके तो अपनी वाणी में, हो सके तो अपनी वाणी में ओ हुनर पैदा करो, हो सके तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो। अरे दुनिया में है मान सम्मान से जीना, तो हर एक एक घर में जय ले दो। पहले हमारे बाबू इनके खिया करत रहे, और जब बाबू हमारे मर गए तो हम इनके खिया करेंगे आगे। काम नहीं कर रहे हैं, होश हो गया, होश तो दवाई खाई जाए, अन्यथा एक
बुरल जाम हो बहु नशा या जान लहा क्या हां इनका नाम बताए दो कि मैं इस 40 गांव का जमींदार हूँ। साथियों मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह, जिधर भी जाता हूँ ज्वाला सिंह के नाम से सारा इलाका 40 गांव का सब हमारे। सुरेंद्र यादव आज हम ज्वाला सिंह ये बंदूक अपन अपने रखे लगे रखा ये भारत माँ बरखवल गांव के कोई गांव के इन गाड़ी कानून भाई बंदूक पर कोनो से रखा जाए सही कर बता दो यादव समाज से कि दुनिया में सबसे ऊंचे विनायक के मैं 40 गांव का जमींदार हूँ। अगर मेरे दिमाग का पारा घूम जाए तो पूरी गांव सभा को भी अपने गांव सभा में शामिल कर लूंगा, फिर बाद में देखूंगा इनकी ज्यादा पल्ला देगा। मान के चला हमार जूता तोहार सर हो नालायक। पहले ये बता कि नौकर तू किसका है? अरे हम ए हमसे पंगा लेबा न तो हमार जूता तोहार जूता हमार सर हो क्या? यानी कि जो लोग ऊंची आवाज में बात करेंगे हराम खोर तो तुम उनके नौकर हो जाते नहीं कहते कहा रही थी। सुनो अगर तुम मेरे हो हाँ। तो मेरे 40 गांव में जितने भी हमारे विरोधी होंगे हाँ। जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी होंगे हमारे खिलाफ काम करते होंगे हाँ। तो उनकी रिपोर्ट अगर तुम मेरे पास या हमारे मुनीम जी के पास अगर देते रहोगे तो तुम्हारा जो तुम्हारे पिताजी हमारे पूर्वज के जमाने से नौकरी करते चले आ रहे हैं तो तुम्हारी आज के दिन से आज की तारीख से पक्की हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा मान सम्मान हमारे परिवार वाले कर अरे हमारे क्या फलाने का बेटा मानते होंगे क्योंकि पान हमेशा खाता था वाले पान खाते तो अगर नौकरी अच्छे से करोगे राम ठोर काम के समय में पान खाना बंद करो क्योंकि नशा इंसान को नशा बना देती है। लेकिन अगर काम को तरक्की पर लाना है किसी भी काम को हासिल करना है तो इसका इस्तेमाल करने से जास्ती हो जाता है। बाबू साहब यानी कि 100% के स्पीड से काम होने लगता है हाँ। हो जाता है तो तुम्हारा कहने का मतलब कभी कभी ये दारू भी पीता है नहीं अगर पान खाता है तो दारू भी पीता होगा। कब हम आए इतना बड़े बड़े तो हो गए आज तक हम दारू जन्म है बड़ी बड़ी बड़ा हो गए तुम्हें मालूम नहीं कि तू मुझे उल्लू बना रहा है बाबू साहब ये मुंह सुंघ है कहाँ था एक दिन हमारी तबीयत खराब हो गई हरिलाल के डॉक्टर ही चला गए भाई घटावा कहाँ जानी बाबा पेशाबिया नहीं करता इसमें हर एक किस्म की चाहे कहा चेकअप हो इस
बीमारियां आ जाती हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हर एक शरीर के अंग का हर एक हमारे गांव के डॉक्टर हैं जो सोनालन यादव। अच्छा हाँ बाबा मुंह देते हैं सिसिया में। अगर उनके आदमी हो तो जवाब समझ लो, ये समझ लो कि हमारे तुम आदमी, लेकिन आज के दिन से तुम हमारे दिल दिमाग से काम करो, तुम्हारा प्रमोशन होगा, दुगना पैसा दिया जाएगा, लेकिन मेरा काम, मेरा जो यानी कि मेरा जो नियम कानून रहेगा उसके अनुसार तुम्हें चलना है और करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक। तुम तो जानते हो कि मेरे सिवा इस हमारे 40 गांव में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। एकदम सही कहा था। और कभी उबलते हुए पानी में आग नहीं निकलती, सिर्फ भाप ही निकलता है। तो हो सके तो हमारे काम में या हमारे किसी भी परिवार के विषय में अगर कुछ काम चल रहा है तो आप लोग टीका टिप्पणी नहीं करो, नहीं तो पल भर में मेरा दिमाग कभी मूड खराब हो जाता है तो हम अगर हमारा तो मूड खराब हो अगर गलत का इसको यानी कि गलत शब्द का अगर मैं क्या कह रहा हूँ प्रयोग नहीं करना। मेरा दिमाग और इस 40 गांव में 40,000 लोग रहते हैं और उस 40,000 लोगों का मैं मालिक जमींदार। एकदम सही बात। मेरा अधिकार है किसानी में हर एक काम में दखलबाजी नहीं करेंगे। मेरे परिवार में तुम्हें तो मालूम है परिवार में अपने सिर्फ दो ही भाई था, अपने पिता उदय भान सिंह के पुत्र विजय सिंह और मैं छोटा भाई ज्वाला सिंह। एक बात कहते बेटा विजय सिंह ज्वाला सिंह, लेकिन जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो जमीन का सारा अधिकार बड़े भैया विजय सिंह को दिया गया। एकदम सही बात। और उदय सिंह हाँ बाबू साहब बड़े भैया का शादी विवाह भी करा दिए थे। एकदम सही बात। लड़की है स्वर्गवास हो गया, सारी जिम्मेदारी विजय सिंह को दिया गया। फिर मेरे विषय में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। नहीं शादी हो गया, शादी में कलावती देवी से उनकी सगाई हुई। अरे सगाई तो वहाँ दिया होगा। 40 गांव में मुझे एक भी गांव का कुछ न पद दिया गया, न कोई किसी भी पद पर रखा गया।
तुम्हारे आजा दादा पर पाजा कितनी बड़ी बात है। अरे बाप रे, हम का कह लेंगे पहन की हम आप हमारे बाबा हमारे काका सब जाना था, हम खुद ही जाना था। एक दिन की बात है कि मैं मेरा दिमाग घूम गया, मैं चौराहे से जा रहा था। सही बात। तो मेरे बड़े भैया विजय सिंह हाँ देख रहे थे कि मैं चौराहे पे बैठा, बोले कुछ नहीं। फिर वापिस लौट आए, फिर कलावती के कमरे में गए हाँ। उनसे बातें क्या किए, उस दिन से बड़ी भाभी का भी पारा गरम हो गया। मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी उसी दिन से हमारा नजरिया दूसरे ढंग से देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद होता है क्या कि समय साल भर बीत गया तो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम विनोद रखा गया। साल भर के बाद विनोद पैदा है। विनोद भी अभी सयाना हो गया, वो बड़ा हो गया, शादी ब्याह करेगा, हो गया मोहब्रो देखा। चलो उसके बाद मेरी कहानी का मोल जी बाबू साहब, एक दिन मैं चौराहे पे जा रहा था, तुम्हारे चार साथी मिल गए। चार साथी, एक विजयगढ़ का था, एक जापान नरेश का था और एक तिब्बत का था और दूसरा बिहार का था। हम जान गए, चारों साथी में एक साथ में मेरा दिमाग का तारा था। उनमें से एक साथी ने बोला, बिहार वाला, अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारे लिए मैं एक दवाई देता हूँ। दवाई कौन है दे रहा है? दवाई मुझे दारू दिया, मेरे दिमाग में वो बुद्धि आ गई, अगर दुनिया में काम को आगे बढ़ाना है तो ये जो तुम बोल रहे थे ना दारू शराब, इसका इस्तेमाल करने से 100 रतन में एक रतन माना गया। जौन तन मेरी शिष्या दे रहे ना हाँ, हमका कहा हो कहा गए बाबा टट्टी ले टट्टी से कच्ची नहीं उसे कच्ची कहते होंगे। कच्ची हम जानी कच्ची कहा ना। तो मैं दारू पीना शुरू कर दिया। अचानक मेरे बड़े भैया एक दिन मुझे देख लिए चार साथियों के साथ दारूया पिया हाँ। और रुक करके चारों साथियों के सम्मुख मुझे दोनों गाल पे मेरे दो चाटे लगा दिए। यानी कि दो चाटे मेरे गाल पे लगा दिए। मेरा दिमाग का पारा आसमान पे चढ़ गया, एकदम गरम हो गया। मैं उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा एक साथी जो बिहार वाला था जी बाबू साहब का मान सम्मान अब इस गाँव में है ही नहीं। मैं गुस्से से लाभ होकर उस समय कुछ नहीं बोला, सामान्य बेइज्जती हो गई। और मेरे बड़े भैया उस रात अपने कमरे में गए, बड़ी भाभी के कमरे में गए, फिर बात किए, फिर बात करके अपने कमरे में आए। मैं रात को 12 बजे उठा, अपने कमरे में गया और अलमारी को खोला ताले से, उसने हाथ में चाकू लिया हाँ, और अपने बड़े भाभी के कमरे में गया। तो देखता हूँ तो बड़ी भाभी सो रही है और कमरे का दरवाजा बंद भी नहीं है। जाता हूँ तो कमरे में तो बड़े भैया सोए हुए थे, दरवाजा खुला था। मैं गया, मुझे गुस्सा था, हाथ में चाकू लेकर गया, गुस्से से मैं अपने बड़े भैया का कत्ल कर लिया। भाग किधर आ रही है, मेरे परिवार की दस्तान है। चल मैं गुस्से में था और अपने बड़े भैया का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश छपटाने लगी हाँ। पागल मुंडाई न चले। अच्छा अच्छा हाँ, ये भाई के ये
बेला पागल, बेला पागल सदा कहना वाले कहा ज्वाला सिंह 11 रुपया कहा सुना इबार बेला पागल है और गुंडाई न चले कोई गांव है जाने दो बेला पागल है पागल हो गया कि हम लोग अपने काम में बस नहीं नहीं पागलन से बात ही नहीं है नहीं करना चाहिए अगर ऐसा बोलते हैं तो अपने काम में दखलबाजी नहीं इनका नाम नोट कर लो नोट कर लिए बाबू साहब फिर बाद में कोई गांव में तो आग लगा क्या करेंगे बाबू साहब हेलो मैंने अपने बड़ी बड़े भैया का कत्ल कर दिया लाल छटपटाने लगी और छटपटाते हुए दरवाजे पे आ गई बड़ी भाभी की खुलती है जी बाबू साहब मैं भागते हुए अपने कमरे में आता हूँ अपना दरवाजा बंद कर लेता हूँ अच्छा अंदरवा घुसर गया ओका दरवाजा बंद कर लिया बंद कर सच तो हुआ लेकिन सुबह होते होते सारा काम धीरे से आसानी में समाप्त कर लिया गया लेकिन गांव की जनता बड़ी भाभी को ही मानना शुरू कर दी जितने भी आते थे सब उन्हीं के पास जाते थे हमारी मुलाकात मुनीम जी से हुई इनसे संभव हो बाबू साहब तब से मुझे एक सहारा मिल गया और उस सहारे में अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें कोई गांव का सभापति बनाऊंगा सभापति का है यार वही प्रधान जी प्रधान जी प्रधान माने समझाएं प्रधान हो जब तुम्हें प्रधान पद मालूम नहीं है सदस्य पद मालूम नहीं है बीडीसी पद नहीं मालूम है तो हराम खोर तेरा गांव में क्या होगा हमारे गांव में ये चंद्रमा यादव उन्हें प्रधान तो तुम मेरा साथ दोगे तो मैं कहता हूँ चंद्रमा की प्रधानी नहीं चलने पाएगी रामानंद जी की प्रधानी नहीं चलने पाएगी हम बचे नहीं बनाए रहे उन्हें अच्छा बनाया था प्रधान कितने साल थे अरे 5 साल रहे 5 साल में अपना बना लिया कहा तुम मेरा काम करोगे मेरे काम में हाथ बटाओगे तो मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे काम में साथ मेरा कोई भी संदेशा किसी के पास नहीं मिलेगा न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी बाबू साहब काम की बात करिए चलो सुनो तब से मेरा दिमाग खराब रहा है और मैं सोचता हूँ कि बहुत समय बीत चुका है बाबू साहब मेरी उम्र क्या है इसलिए में मुझे कोई भी न पद दिया गया है न किसी भी प्रकार का प्रलोभन मिलता है तो क्यों न अब हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें हाँ बाबू साहब चलो तुम पता लगाओ हाँ कि जापान देश में कलावती जी गई है जापान देश में कलावती गई यानी कि जो की हमारी बड़ी भाभी अब तो भाव जाई पर तुम्हें चलना है हम अहम और पंडित जी बाबू साहब तुम्हारे संदेशे का इंतजार करेंगे बिल्कुल हम वहाँ पहुँच रहे हैं चलने से पहले तुम जाओ पहले एक क्वार्टर लाओ को फ्रेश किया जाए फिर उसके बाद अब ये जाते ये तरी चौराहा लग गया पंडित बाबू साहब मैं लालू लेने के जा जी हाँ जी बाबू को फ्रेश
जी हेलो आप हमें और यार को दिल दिमाग से काम कर क्योंकि भाई भैया का खत्म हो चुका है। जी हाँ भाई भैया की कोई बात नहीं है, नहीं है। विरोध की भी कोई बात नहीं है, नहीं है। हाँ जी बाबू साहब जापान देश में गई हुई। जी बाबू साहब तो हम लोग पब्लिक में चले। जी लेकिन पब्लिक में चलने से पहले हम लोग चलो जापान देश से। जी बाबू साहब हाँ जी हाँ जापान देश चल करके बड़े भाभी से बात करें। बात करेंगे अन्ना से बजे मेटी वाला उली इन भैये होना से बजे मेटी वाला उली इन भैये कौड़ी का शराब के ठीका पे गए। अच्छा अकोड़ा चौराहा पहुंच गए। अकोड़ा चौराहा वहां से निकले सेहरा चौराहा पहुंच गए। अच्छा फिर वहां भी ठीका बंद था। बंद था उसके बाद सेहरा सुवापस हुए अतरी चौराहा पाए। अच्छा वहां भी देसी शराब का ठीका बंद था। चलते चलते अवारी बनवारी डाल गए बहेरी महल। अच्छा बहेरी गांव कहीं बाबा बंद कर दिए यही माही से लिया है। अच्छा यानी कि वो बंद कर दिया। साहब मोल खरीद पे बैठे थी यह मिली हुई टट्टी टट्टी इसे कच्ची कहते हैं महुआ वाली हो पंडित जी थोड़ा आप भी लो कहा गया है थोड़ा तुम मिलो इसे क्या कहते हैं सौ रतन में एक रतन माना गया आधा न कर लो रुपये हमें आधा ले सही बात तुम लोग दोनों बराबर से बात हो पहले आप अब हम पीवे या हम खेले अरे पीवे जब हम पीवे देखो ज्ञान चंद ज्ञान चंद
गुंडी है चूतिया का घोड़ी अरे हरामखोर मैं कौन हूँ हमारे इतना चपर के नशा हो गया देखा हमारे दिमाग को ही नहीं अब हम जान गए कितना नशा भरा है काने के जरी पे तू छापा लगे नशा तुरंत ही काने के वही मजा की इससे जास्ती हो गई के निकाल दे नहीं बाबू साहब जैसे चलो जा बांग्लादेश में चलते हैं बड़ी भाभी से बात करेंगे उनसे पैसा मांगेंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग 40 गांव में चलेंगे और एक एक इंसान से जितने भी बकाए की रकम होगी उसका वसूली किया जाएगा लेकिन चलने से पहले हाँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे जी बाबू साहब जाओ हाँ मैं और पंडित जी आते हैं हाँ तुम जाओ पहले जापान देश हम जापान जाते हैं तो हाँ धान छुटुरी में रखे हैं इतना का और मेरा ध्यान हाँ कुठुरी में नहीं कहते हैं का कहा धान नहीं चावल की बात कर रहा है नहीं धान चावल की बात कर रहा है पहले हमार गाय को बड़ी का कुठली बनाए ओमे मार भट ठेस ठेस के गोहूं डालना मार ठेस ध्यान तक पहुंचा था भी पानी वाला क्या यानी कि मुझे उर्दू समझ ना समझ नहीं का कहा था जापान जाए चाहे जापान जाओ और जापान देश में वहाँ कलावती जो मेरी कहानी है उसके पास जाने वहाँ की खबर हमारे मोबाइल नंबर पर यानी कि पंडित जी के पास रहे तो मोबाइल नंबर पर नहीं है नंबर यहाँ लिखा हुआ है अरे लिखा नहीं पहले हमारे को ही लिखा हुआ वो मैं जाना चाहिए पहले हमारे मोबाइल का नंबर ला मोबाइल का नंबर ला आराम को मोबाइल नंबर बोलते हैं मोबाइल नंबर लिखा हाँ चलो बोलो लिखा हम दिनांक कार्य नोट कर लिखा 94 94 95 होगा 94 50 अच्छा 94 50 83 हीरो ये राम और हीरो की बात करते हैं उसे जीरो कहते हैं नहीं डबल सिम चलाई था ये पहली सिम का दूसर की जैसे मैंने पैसा कम बा वो मैंने रहा कि दूसर की चलाई जा जिसमें पैसा उसको हाँ वो कर बता 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 नवा मासी ये क्या है राम भक्ति भैंसा ऐसा नहीं साला ऐसा साला की बात कर रही है क्या कह रही है 83 32 32 93 भाई 93 पैसा अब एक हम नोट कर लिए एक कह लिया
अजब काल तुहरे में करम ना तो वापस अरे यानी कि अच्छा पैसा काम बना निष्काल तो तुम हमारे पास मोबाइल नंबर में पैसा तो जाओ हमारे रिम में पैसा कम रिम सिम बोलते हैं राम को सिम बोलते हैं सिम रिम नहीं बोलते साइकिल की बढ़िया नहीं नहीं सिम में क्या बोल रहे जान ये सिम में पैसा रिम बोल रहे अच्छा जा था हम हां जी मैं तो फोन कर दिया था जी बाबू साहब देखो कैसी बात कर रहा है इसलिए मैं इसे करावती के पास भेज दिया हूँ अब ये वहाँ रहेगा हमारे कहने से थोड़ा खिला दिया हूँ उनकी बात मुझसे बताएगा और हम यहाँ आप अपने दिल और दिमाग से काम करें हाँ अब तुम मेरा साथ दो हम और यार करना क्या जी बाबू साहब पहले बहुए ले दिया चलो हम लोग चलते हैं जापान में जी जहाँ की गया है चलने से पहले रजिस्टर ले रजिस्टर रखा हुआ रजिस्टर लेकर के चलेंगे हाँ किसके पास कितना बकाया रकम है उसको नोट कर लिया हाँ चलने से पहले जी एक बात हमेशा ध्यान में रखने का है वो कौन सी बात बाबू साहब यह बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए नहीं बाबू साहब विनोद को भी मालूम नहीं होना नहीं नहीं किसी को नहीं क्यों जब परिवार में हम सिर्फ तीन ही हैं जी हाँ भगवती है विनोद है और तीसरा मैं चौथा आप है पांचवा ज्ञानचंद ठीक है बाबू साहब सिर्फ पाँच के बाद पाँच के बीच की बात हमेशा रही यह बात हमारे परिवार की हमारे परिवार को कहनी चाहिए गांव में इसकी खबर भनक नहीं होनी जी बाबू साहब हाँ जी आओ चला जाए अरे यार ही लगा कार फैलाओ आगे क्या जरूरत है भाई ही लगा ला हम भाई ने यार अरिनिक नाही कैलस अरि मैया लगाई के निक नाही कैलस Yeah.
भारतीय जी प्रधान जी, ये साथ ही साथ उनके साथी हमारे भाई बबन पार्टी डीलर, जो कि कोई के खास निवासी हैं दोनों आदमी, प्रधान जी सुभाष प्रधान जी, ये आप दोनों साथी मिलकर के 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं इनके ऊपर खुश होकर के, इनके गीत पे खुश होकर के हमारी कंपनी ने कोर्ट कोर्ट से बना दिया भैया को। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला गोहानी की निवासी है, 101 रुपए कलाकार भाई ऊपर खुश होकर के, ये देखिए इनके ऊपर खुश होकर के 101 रुपए। साथ ही साथ रामकृष्ण यादव बीडीसी और उनके साथी बेला पागल राम कृष्णा बीडीसी काका हमका जिया है, यहाँ दुनिया जने मिलके 101 रुपया देता है हमारी कंपनी ने कोर्ट कोर्ट से धनवा दे रही है। मेरा पहले पता जरिए मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं जिला उज्जवल की रहने वाली हूँ और मेरा नाम कलावती महारानी है। मेरे पति देवता का स्वर्गवास हो गया, मेरे गोद में एक बच्चा है जिसका नाम विनोद है। अब मैं चलती हूँ, अपने दरबार में बैठती हूँ। महारानी माँ के कदमों में ये दरबारी ज्ञान चंद अपना सर झुक राज माता जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पहले रहो पहले रहो बेटा। रानी माँ बाबूजी ना विनोद भैया के हाल चाल का बा ठीक है मुन्ना? इस समय है कहाँ? अरे इस समय तो स्कूल नहीं। विनोद भैया बड़वार हुई हुए ना? हाँ तो बड़े हो गए। बड़ा दिन देखे हो अब जी लगाता है रानी माँ। अगर शायद हाँ मालिक का दिन होगा हाँ तो तुमसे मुलाकात जरूर होगी। ठीक है रानी माँ। ठीक है मैं ज्ञानचंद हाँ रानी माँ राज दरबार में बैठती हूँ हाँ और देखना कोई चीज के
कमियां ना होना चाहिए। ये हमारे पर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, अगर कोई आते हैं तो जरूर मैं आपका पता दूंगा। और बिना आदेश, बिना आपके पूछे मत कोई अंदर आने नहीं पाएंगे। मैं बैठती हूँ, अगर जो कोई आएगा तो मुझको पता बताना। जरूर बता दूंगा। हेलो साथियों, अब मैं इस कोर्स से अपने घर चल रहा हूँ और अपने माँ से मिलूंगा, उनकी हाल समाचार लूंगा। हमें लगता है कि हमारे माँ के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि आखिर बात क्या है, हम सब क्यों छुपा रहे हैं, आखिर माँ जरा क्या है। ब्रज धूरी प्राण से प्यारी मोहे, ब्रज धूरी प्राण से प्यारी मोहे, ब्रज मंडल माही बसा मेरे नयन से नयन मिला रहो। जग में झूठ अनेक नहीं, जग में झूठ अनेक समझता झूठ समझो नहीं, जग में सम भाई भाई सम फूटे नहीं। एक ब्रह्म कहती है कि अरे मेरे मालिक, ऐसी चोर छाप जिसमें समस्त देवी देवताओं का नाम अंकित हो। लीजिए साथियों, आप सबके बीच कव्वाली खुम सपने से। अरे छापा रंग रे जिबरे मन की, छापा रंग रे जिबरे मन की, अनमोली कनारी चुनरी माछा। चल
हर चुनरी के चारों कोने में सतियों का सुंदर नाम सती सावित्री नर्मदा जैसे जग में सरनाम सती सत्य आता यारो जग में सुंदर काम सत्यवंती सत्य अनुसुईया का प्यारे जग में सुंदर काम रहे अर बालक बन खेले ब्रह्मा विष्णु अर शंकर त्रिपुरारी राधिका सिंह यादव मोहनी पूर्वक निवासी हैं। साथ ही साथ उनके भाई अशोकानंद डॉक्टर साहब जिनके दरवाजे प्रोग्राम हो रहा है, आप दोनों भाई मिलकर के 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं। ये विनोद ऊपर खुश होकर के इनके रोल के ऊपर खुश होकर के इनके गीत पे खुश होकर के दूध पीने के लिए 51 रुपए कहा जाए मन हो तो गाय का दूध छान लाना है भैंसी का। साथ ही साथ ये आगे हलवाई कारीगर साहब, हलवाई कारीगर साहब बहुत सुंदर कारीगर आना बनाने का राम जी यादव जो कि साहब इसी गांव कुई के खास निवासी हैं, हलवाई कारीगर साहब राम जी यादव जी 11 रुपए हमारे भाई जो कलावती रोल कर रही हैं, कलावती के काम पर खुश होकर के 11 रुपए विनोद भैया नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार और बताओ राजू भैया की बात क्या है। अच्छे हैं भैया, अपना बताइए। हमारा तो सब ठीक है राजू भैया। लेकिन भैया तबहिए के चाची के मार हुचकी आवा था। क्या मेरी माँ को हुचकी आ रही थी? सुधि करे हैं कहता है जरूर विनोद बेटवा आवा तक नहीं आए। हम कहा उतर हुई। ठीक है राजू भैया चलो चल करमा लिया जाए। पूछा तो कुछ रहे कहा पढ़ा तो बहुत हमका खूब बढ़िया पढ़े समय कोचिंग कोचिंग आप तो अच्छा मजा कर लेते हो भाई। कोचिंग कोचिंग का है यार राउंड कोचिंग कहते हैं कोचिंग एक्स्ट्रा क्लास। हाँ हाँ स्कूलिंग पढ़ाती और जब 3-4 बजे कोचिंग स्कूल में भी पढ़ाई करता हूँ। स्कूल से जब घर वापस आता हूँ तो खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करता हूँ उसके बाद कोचिंग के लिए चला जाता हूँ राजू भैया। क्योंकि पढ़ाई इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी है राजू भैया। अरे भैया ये है तो कहा गया है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे राजू भैया। इसलिए भैया सब गाँव में हिस्सा बात पढ़ाई में हिस्सा नहीं बहु। चलो राजू भैया चल कर वहाँ से मिला जाए। हाँ मैं आ गया।
और खुश हो कर दिए, अरे दीजिए अरे मैया जी। अरे दीजिए और की मेरी राम। और तो सब ठीक है मैया। बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की क्या हाल है? मेरी पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही है मैया। क्या बात है, लेकिन मैया से कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बात की है जो आप हमसे छुपा रही हैं? बेटा कौन सी बात की? बताओ। क्योंकि अगले हफ्ते राजू भैया ने हमसे बताया कि आपको आपकी माँ ने याद किया है। हाँ बेटा मैं तुम्हें याद की। सुनो कहिए। अरे बुलाने का आज मुझसे बता दे। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं राज गद्दी पर बैठ कर राज चलाऊं मैया, लेकिन नामुमकिन है बेटा। ये मुमकिन नहीं हो सकता ना। अब तुम्हारे सिवा कौन अगर मैं राज गद्दी पर बैठ कर राज चलाऊंगा तो ये भैया बाबू लोगों की सेवा कौन करेगा मैया? तुम जानते हो ना राजू भैया, सियाना होने की बात नहीं है राजू भैया। ये समाज को चलाने के लिए बड़ा दिल दिमाग और बड़ा कलेजा चाहिए राजू भैया। मेरे मुन्ना सुनिए मेरी बात, तुम खुद जानते हो तुम्हारे चेचनी इतना खुखार है नशा पत्ती करके आप पर बात फैला देती हूँ। मुन्ना अगर तुम रात चलाओ तो ठीक है, अगर उनके हाथ में दे दूंगी तो जनता एक एक दाने की परेशान हो जाएगी। सुनो भैया चाची कलावती सही कहा था आप।
कौन भुला ना है कौन गरीब के गरीब समझाता है न गरीब के बिटिया के बिटिया समझाता है न बहन के बहन समझ उनके साथे गलत व्यवहार करता है बताओ ऐसे हो देखता हूँ धरती पे गरीब न रहे नहीं राजू भैया हम चाचा जी को समझाएंगे कि चाचा ऐसा अत्याचार और व्यभिचार न करो क्योंकि किसी के बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर डालोगे तो जैसा कर्म करोगे उस तरीके का आपको फल मिलेगा चाचा जी आप यहाँ से काम बंद कर दीजिए और आप राजगद्दी चलाइए चाचा जी क्यों राजू भैया आपका क्या विचार है अब हमारे विचार तो काफ गही अब हम इतना दारू आवाज भाई अतरी चौराहा पे मार सीसी पे सीसी सीसी पे तूने मार ए ये क्या ले रखा है यार बोलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ बात पे गौर करो मेरे मियाँ बोलिए ना अरे जमीन से आया प्रजातन आज साहर यहाँ अरे जन जिनकार है राज से आज मैया नमत आज क्या देखिए मैया अपने जाति आ गया है लोकतंत्र आ गया है आजकल हर एक इंसान पढ़ा लिखा है इसलिए राजगद्दी पर बैठकर राज चलाने का कोई मतलब नहीं निकलता बेटा देखो तुम इस राज की मालिक हो तुम्हारा प्रजा सम्मान करती है मैं सोचती हूँ तुम्हारा हमेशा सम्मान नहीं मुन्ना और अपनी राज पार्टी को संभालो अब मेरे बस की बात नहीं मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब इतना मेरा दिमाग नहीं पूछता हर नौकरों से जैसे ज्ञानचंद जी इनसे प्राणी को मैं ख्याल रखती हूँ कि कोई भूखा प्यासा न रहे मेरे राज में अम्मा को किसी दूसरी तरह से हम लोग मनाएंगे तब शायद ये मानेंगे कहिए ना मुन्ना अरे तू कितनी अरे तू कितनी प्यारी है अरे प्यारी प्यारी है ओ मां Oh,
तरीके से आप देखती आ रही है उसी तरीके से इस राज को राज रहने दीजिए माँ, चलने दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जीत है तो चलो, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूंगी। हर जो नमाई राजा से, जब प्रजा नहीं रहेगी तो हमारी राज्य किस काम की होगी। हाँ तो सच करे मुन्ना, हमारे नगरवासियों को किसी प्रकार की किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए मुन्ना। कैसे हमारे इस जगह पर बैठे हुए हमारे गांव बस्ती में रहने वाले हमारे माता पिता हमारे बहन भाई सभी हम लोगों को इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे राजवंश है, हमारे राजगुरु है, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मुझा मुन्ना, मैं कभी नहीं अपने रैयत गरीब किसानों की कभी मैं दुख नहीं दे सकती। हर समय ध्यान देती हूँ अपने नौकर जाकर जिसे मेरे ज्ञान देते हैं इनको भेज के मैं सत्य घर देखा धोखा मैं सुबह पाए रैयत में किसी प्रकार के कोशिश की कमी न होने के लिए। हर माई तोहरे अचरण प्यार, हर माई तोहरे अचरण प्यार, हर मैया के महिमा महान। प्यार का ममता तो हर महान बा।
ये नहीं मेरा पागल अकेला मेरा भारतीय जी एक कई रुपए का पुरस्कार होते हमारी कंपनी के को दूसरा धन रहे हैं मैं और बेटे के ऊपर दूसरा नन्ना मेरे अचरा किसान है ये तुम्हारी मिलूंगा और उनकी हाथ समाचार लूंगा मेरा ठीक है मुन्ना जाकर सभी जन जन से बूढ़ी जवान से
जाकर मुन्ना मिलो, क्योंकि इस राज के मालिक हो तुम, राजा हो। ठीक है भैया, अब आप कष्ट करना है। ठीक है माँ, आप बताइए टीम को मनाना कितना कठिन है। सही बात किसी ने कहा है, व्यवस्था के हिसाब से लोगों में लालच बढ़ जाती है। मेरी माँ सोच रही है कि मेरा बेटा हमारे राज का उत्तराधिकारी बन जाए। सही है, न जाने भविष्य में उसके चाचा उसके साथ क्या करें या ना क्या करें, क्योंकि अगर आज हमारा बेटा हमारे राज का उत्तराधिकारी हो जाएगा तो हमारा देवर आने वाले समय में उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। भैया हो कौन महतारी, बेटवा का महतारी नहीं चाहते कि हमारा लड़का गलत हो जाए या कुछ हो जाए, हमारे सामने एकदम मालिका ही बन के दिखाए। ओहो आप इकलौता है, अब उनके आगे उनके बीच में है ही केवा। राज भैया, हाँ भैया, चलो चला जाए आज। चलो भैया, गांव बस्ती में मेरा घूमने का दिल कर रहा है। चलो भैया, अरे मौत के डाल के कोई भैया। हाँ, अरे बंदवान नाचे लमो, अरे मौत के डाल के कोई भैया, अरे बंदवान नाचे लमो। अब चल गा जी है यार, करने की क्या बात है। जो ज्वारा सिंह है चाचा सलामत खुश है। देखो हमने आपसे कहा ना, अरे मेरे चाचा जी है, डरने की कोई बात नहीं है। देख रहा हूँ कितना बड़ा संस्कार, कितना बड़ा दिमाग, कितना खुशहाल, खुशी में फले हुए। और का बताओ ज्ञानचंद। हाँ बाबू साहब, तुम भी उसी रंग में पड़े हो। अरे हम चाचा जी खुशी मनाए हैं, आखिर हमारे खुशी में दी तो आपकी खुशी है चाचा जी। हाँ और का सही बात, अरे हमारी बच्चे हाँ खुशी है, सबके खुशी है। गुस्ताखी होगी? नहीं गुस्ताखी नहीं हुई है, राज दरबार में क्या चल रहा है सारी खबर हमारे मुनीम जी हमें देते, हर खबर मुझे मालूम है। लेकिन आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सही सही जवाब देना पड़ेगा। अबे अबे ये माता कैसी
बात क्या है चाचा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे सही सही बातें न मुझसे तुम्हारा चाचा। अरे मैं भी तो परिवार का एक अंग हूँ, यानी कि आदी जी है, आपकी माँ जी है, पिता भी थे। अरे हम क्या है क्या नहीं है, कितना खुशहाल आप लोग हैं। नहीं चाचा श्री, आपसे मैं आखिर क्या छुपा सकता हूँ। अरे नहीं पाती चाचा, छुपाऊ जरा बातें बताऊंगा। कि आज आखिर बात क्या हो रही थी पिता? हमारे पिताजी तो सर्वनाश हो गए, लेकिन मेरी माँ है और मेरी माँ से मेरे से जो बातें हो रही थी आपसे छुपाऊंगा नहीं, जरूर बताऊंगा चाचा जी। खजाने की बातें मैं सुना, खजाने की बातें चल रही थी। जरूर चाचा जी, चाचा जी दरअसल बात ये है, आखिर जो रजिस्टर में वो बड़ा वाला रजिस्टर था उसमें साइन भी हो रहा था, क्या ये सही बात है? सही बात है। बिल्कुल चाचा सही बात है। और आज ये बातें हो रही थी कि बेटा तुम इस राज के उत्तराधिकारी हो जाओ, लेकिन चाचा जी मैंने इस बात को मंजूर नहीं किया है चाचा श्री। यानी कि खजाने का मालिक भी बन गया। अरे सज धज कर कहाँ जा रहा है? अच्छा जी मैं गांव बस्ती में टहलने के लिए जा रहा हूँ। गांव बस्ती में टहलने के लिए? मतलब क्या? टहलने के लिए जा रहे हो या संगठन बनाने के लिए जा रहे हो? संगठन में तो शक्ति होती है, लेकिन मैं अभी संगठन बनाने लायक नहीं हूँ। संगठन बनाने लायक नहीं? जागीर का मालिक बन गए, रजिस्टर में नाम अंकित हो गया, हो गया। तो आराम खोर करने जा। आप मुझे आराम खोर कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे आप आराम खोर कह रहे हैं चाचा जी? आखिर हमें लगता है कि आपके दिमाग में चाचा जी कोई बड़ी बात जन्म ले लिया है। यानी कि दिमाग में हमेशा जी बाबू साहब हमेशा उल्टी बातें बहाना बना रहा है। जी हाँ, और समझा भी रहा है।
उल्टा चोर को तो हाले डाले। ये बता कि तिजोरी की चाबी किसके पास है? चाचा जी, तिजोरी की चाबी तो मेरे पास नहीं है। किसके पास? अरे तिजोरी की चाबी मुझे दे कबूला। यानी कि मैं कौन हूँ इसकी खबर जरा से भी, यानी कि शरीर में और छोटे का, बड़े का और छोटे का कोई कारण नहीं। आराम कर, पढ़ाई कर लिया है, जागीर का मालिक बन गया। अरे परिवार में तेरा बाप मेरा दुश्मन था, अपनी सगाई कर लिया, अपना संस्कार अपना परिवार चलाने के लिए जागीर का मालिक बन गए। 40 गांव में मुझे एक गांव भी नहीं मिला। पैसा मांगने जाता हूँ तो कहते हैं कि तुम पैसा कोई हक नहीं बनता। आराम करो नालायक, ये तेरे बाप की कहानी थी और वही तेरी और तेरे माँ की कहानी है। जापान देश का मालिक बन करके बोलता है कि तिजोरी की चाबी नहीं है, रजिस्टर नहीं है, नालायक। अरे तिजोरी की चाबी अरे नहीं देगा जब तक ये नहीं दे। अरे तोहरा तो हैया चाचा
पत्थरे हल्ला की तू हो चल तुम हमारे एक नौकर के पास वो मेरा भतीजा है जी हाँ। सिखाऊंगा जी हाँ। मारूंगा जी हाँ। लेकिन तुम नहीं नहीं ये करी तो खानदारी का पहन के हाथे में सार कुल खरकता हूँ जो हवा हुआ तुम्हारा ऐसा टोपी हवा अरे कौन करना मेरा पागल मेरा भारतिया जी 11 रुपए का प्रसाद दे रहे हैं कहा था ठाकुर साहब ठाकुर ज्वाला सिंह अरे मुनीम कहा था चुनाई नहीं गिली पूजो ले एक लाते तेरे दवाई के हाइंच के फेंक दे और ठाकुर साहब होश न हो जाए होश के दवाई खाई ले अनाही लागा भूले लगभग फूल है।
वकील साहब सच्चिदानंद यादव ना जाने होते जान करछना में रहा थे करछना तहसील में 21 रुपया कहा जाए बेटा हरा इशारी ठपुराई फेर का जब इशारे कहे बड़का गुंडी बना कहा जा चलो 1 रुपया कागज पे और दस्तखत बनावे पवन तो तुहार खानदान बर्बाद कर जा रहे सुनो बाबू साहब वकील साहब है मिला लिया जाएगा साहब हम लोग कैंसर करवा देंगे क्या समझते हो और कभी इसको मालूम नहीं वकील ही नहीं करने पड़ेंगे समझ ले अभी हम परिवार में दीदी अपने काम में दीदी है वकील साहब से जाकर संदेशा बता दो कि वकालत नहीं करने पड़ेंगे वकीली नहीं चलेगी अगर अपने परिवार की परवरिश चाहते हैं तो हम लोगों से पंगा नहीं लेंगे सुना कहा था हम यादव ही अब यदवन के लाठी नहीं जनता यदवन के लाठी भैंसे बर्दाश्त के तोरे बस के नहीं सुनो हम लोग लाठी डंडे से मारते नहीं हम लोग दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मारब ना तो यहाँ से किले भगा जाब यार भी दुनिया की जागीर किला के अंदर है किला में है किला के मालिक बने रहेंगे सारी कहा था काली काली एकदम जहीन वचन खाली तोहार शादी बिया हो वा नहीं रड़ुआ यह का जन्म हरि काहे पते हरति रे गवाई है 11 रुपए कहा था अरे यार तू दर्द का जन्म
बकरी का दूध बड़ा महंगा पड़ा था, लेकिन भैंसी का बाल्टी भर दूध पिया है भतीजन का। आज हमारे पर बीता था, लेकिन हमारे भतीजे के ऊपर एक हाथ छोड़वा ठाकुर साहब नशा जाए कहा था देखा था लेना हो मौत रखा हो के कुत्ता बा जेका नाम डंपी बा डंपी और डंपी के अलावा ये नाम चंपी है मेरे काल भाई जो है कीर्तन का भी है और सुना उन्हों से अगर डंपी न जीत पही तो भोला वह बैठा है भोला हो नहीं तो घर भूल जा सही बात सलाम मैं तेरी जान बख्श देता एक करोड़ इनकार नहीं दो करोड़ इनकार नहीं अरे मैंने दिल में ठाना है अरे तो मैंने दिल में ठाना है और कसम से तुमसे और कसम से तुमसे ये पूछता कमीना है Hey!
बहन जी, ये बाबू साहब के बहन हाथा रहा, बहन हाथा दिमाग तो नहीं ठीक है, नहीं आई है, वही खाता बोला जाता है, वही खाता लिया है बाबू साहब, आपके तीनों बहन ले आई है, एक तिरु साल वाला है, एक पर साल वाला आई है, एक नौका है साल वाला, तीनों ले आई है, यानी कि तीनों साल का पुराना वही खाता, वही खाता, वही खाता, हम सब वही लाया है, ले ले लेकर आया है, आओ इसमें हाँ सादे पृष्ठ पर हाँ लिखो, कहा लिखी कि आज से मैं हाँ विनोद कुमार, हम लिखी हाँ हमारी लिख करके साइन में लिखा है, चाचा ऐसा मत करो, चाचा इतना बड़ा अत्याचार और बेविचार मत करो चाचा जी, आज से आज दिनांक 8 तारीख सात ही है का नहीं यार, सातवां महीना चल रहा है, अरे सवेर हो गए 8 में जाए 12 बजे, 8वां तारीख है, महीना कौन चल रहा है, महीने भूल गए, फरवरी चल रहा है दूसरा महीना, महीना कई रोज तो होता, आराम करो, कौन है जब तुझे महीना नहीं मालूम है, हम आपके नौकर नहीं मैं, हम आपके नौकर है ये मुनीम है, हमें पता है, रजिस्टर दे दो, ए लैला भाई तू पढ़े लिखे है, हम का ना चाचा श्री इतना बड़ा क्यों चार काम करी बताओ, ए लिखते ना हर जिंदगी है मगर भरा
दिल प्रताप यादव जी कह रहे हैं 21 रुपए का इनाम दे रहे, कह रहे हैं ठाकुर साहब आप बहुत गलत कार्य कर रहा, अब मुनिमों को समझा ही रहा, कहा था हमने धीरे धीरे गुस्सा चढ़ा था, अब तोके न पता हो तब पता जान रहा, वही नशाई जाए न हो जो या हो से दवाई खाई रहा, ये कैसी पार्टी कर राजू भैया
जनवरी फरवरी और कुछ न लिख क्या हुआ आठ तारीख नहीं डाला है तारीख नहीं डाला एक नानी कहाँ भरा चाचा जी आपके कहेंगे क्या चाचा जी आपके भैया ये सारे चंदन लगाए लगाए पैसा चाचा जी आपके कहने के अनुसार आपका नौकर जिस तरीके से बोल रहा है जनवरी फरवरी रैन घर आठ दिनांक आठ तारीख दूसरा महीना 2023 आठ तारीख ले दो भैया आठ दो 2023 ठीक है चाचा श्री अपनी सारी संपत्ति सारी जागीर अपनी सारी संपत्ति सारी जागीर कानून की बागडोर तिजोरी की चाबी 40 गांव का पूरा हक यानी कि जमीन बैंक जितने भी होंगे कस्बे डाकघर सब हमारे अधिकार में होंगे जब आपको यही सब करना चाहती है दुनिया का ड्रामा क्यों चाचा जी आपने हमें पहले बता दिया होता मैं सारी दौलत आपके नाम कर देता चाचा आपको अगर मेरे दौलत से प्यार है मेरे जागीर से प्यार है तो आपको पहले बोल देना चाहिए कि बेटा सारी जागीर मेरे नाम कर दो वरना तुमको इस नगर से निकाल दूंगा अरे बहाना बनाते हैं साले का हाथ पैर बांध कर बाहरी पर से फेंको